हेलो गाइस, मैं हूँ पायल और आपका स्वागत है मेरे चैनल मसाला जायका में। सब्सक्राइब करें मसाला जायका को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बनाएंगे मुड़मुड़ी चावल भाजी। लॉकडाउन के टाइम पे रेगुलर यूज करने वाली चावल से ये मजेदार रेसिपी बहुत ही झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए आज के इस मुड़मुड़ी चावल भाजी की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कप मोटे दाने वाले चावल लिए हैं और इन चावलों को अभी हमें अच्छी तरीके से धो लेना है। तो सबसे पहले आप इसमें पानी डाल दें और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से रगड़ कर धो लें। तो इसके पानी को अभी हम फेंक देंगे और इसको दोबारा से और एक बार पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे। और अभी हमें इसमें एक कप पानी डाल के 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और इसके पानी को अभी हम फेंक देंगे। चावल ने अच्छी तरीके से पानी को सोख कर लिया है और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक को चावल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे अभी हमें अच्छी तरीके से सूख जाने तक रख देना है। तो आप इसे चाहे तो पंखे के नीचे रख दे या फिर धूप में रख दे और इसे जल्दी से सुखा ले। तो चावल हमारे सूख चुके हैं और अभी हम इससे मुड़मुड़ी चावल बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर गैस ऑन करके एक कढ़ाई को लगा लिया है और इसको अभी हम अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। और कढ़ाई गरम होने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा चावल डाल देंगे। आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही इस चावल को भून लेना है। तो अभी हमें इसे हाई फ्लेम पे चावल फूटने तक अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो आप करछी को लगातार चलाते रहे, नहीं तो ये जो चावल है वो जल जाएगा। लगभग 3 से 4 मिनट में ही ये जो चावल है वो फूट के मुड़मुड़ी बन जाती है। तो आप सारे चावल फूटने तक लगातार इसको चलाते रहे। सारे चावल फूट के मुड़मुड़ी बन चुकी है और अभी हम इसको एक प्लेट में या फिर एक बर्तन में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में फिर से अभी हम थोड़ा थोड़ा करके चावल डालते जाएंगे और हाई फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए सारे चावल फूटने तक इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और मुड़मुड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बोल में सारे मुड़मुड़ी चावल को निकाल लिया है। आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करेंगे ताकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी भुजिया। हम अलग से इसमें बादाम या फिर छोले ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें सारी चीजें डली हुई है। और हम इसमें डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्च और डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले चावल में भी ऐड किया था, इसलिए आप नमक थोड़ा हिसाब से डालें। और इन सारी चीजों को अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा पसंद है तो। और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा मुड़मुड़ी चावल भाजी बनके एकदम रेडी है। तो आप इसे पूरी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करें। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।